हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस समय मैं मजिस्टिक, जो नियो मजिस्टिक पैराडाइज है, उस कसिनो के बाहर हूँ, मतलब वापस जा रहा हूँ। और एक डेढ़ घंटा ही मैं यहाँ रुका, मतलब जो मेरे को आज मेरा टारगेट था वो एक डेढ़ घंटे में ही पूरा हो गया। अब कल मैं चांसेस में था, वहाँ भी यही हुआ कि पहले आधे घंटे में ही बैट आ गई फटाफट, जो भी अपने जैकपॉट नंबर बनाए थे मैंने वो जल्दी जल्दी आ गए। तो कई बार नहीं आते हैं, पैसा चले जाता है, फिर उसको लाना पड़ता है वापस, तो कई बार माइनस भी होते हैं। पर अगर आप जैकपॉट नंबर निकालना आप समझ गए तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो एक डेढ़ घंटे के अंदर ही हुआ, हाँ मैक्सिमम डेढ़ घंटा लगा होगा। और यहाँ पर मेरे को आज मैं छोटा अमाउंट लेके आया था, आज मैं सिर्फ 20,000 रुपये लेके आया था और 10,000 से ही प्ले करना था मैंने। और अगर 10,000 चले जाते तो 10,000 से मैं रिकवरी करने के, मतलब कि इक्वल अमाउंट हो जाए या जो भी थोड़ा बहुत वापस आ सके। कई बार आ जाता है, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे मेरा अगर अमाउंट चले गया 80-90%, तो आखिरी के 15-20% से वो अमाउंट आ जाता है या उसके आसपास ही आ जाता है। मैं जिद पे नहीं करता हूँ कि प्रॉफिट में ही जाना है। और ये कसिनो में क्या है कि मेरी एंट्री नहीं है, ये येलो बैंड आप देख रहे हो, इन्होंने येलो बैंड जिनका होता है, मतलब जो जिनको इन्होंने मेंबर बनाया हुआ है, मतलब जिनकी एंट्री नहीं है। ग्रीन बैंड उनका है जो एंट्री लेकर के आती है, मतलब ग्रीन बैंड 1,000 रुपीज़ की एंट्री है इसमें। कोविड के बाद 500 थी पर अभी 1,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर मेरी एंट्री का चक्कर नहीं है। तो अभी मैं 20,000 लाया था, 10,000 से खेला मैं और मेरा प्रॉफिट जो था वो इस समय 10,500 है। 10,500 का ही प्रॉफिट हुआ और मैं, मतलब कोई ज़्यादा मेरी बेट गई नहीं। मैंने 5,000 से एक जगह बाइंग किया, टेबल पे खेला, वहाँ पर मैं कुछ 1,500-2,000 रुपये माइनस हो गया, मैंने कैश करा लिया क्योंकि वहाँ पर मेरे मन मुताबिक नंबर आ नहीं रहे थे, माहौल भी ठीक नहीं लग रहा था। मतलब जो आसपास लोग खेल रहे थे ना, कई बार वो फोकस नहीं होने देते आपका। और जो जहाँ पर मैं खड़ा था, हिस्ट्री की जो टेबल थी वो मेरे बैक साइड में। इस कैसीनो में एक माइनस पॉइंट क्या है कि एक दो टेबल ऐसी है जिनमें बोर्ड के आगे ही डीलर खड़ा होता है, तो आपको नंबर कई बार नहीं समझ में आते। मतलब आपको होता है ना, नंबरों को आप देखते रहते हो तो आपको नंबर बता देते हैं। ऑनलाइन के लिए मैं क्यों मना करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में आपको मिलते ही 10-15 सेकेंड है। आप 10-15 सेकेंड के अंदर आप क्या नंबरों को समझोगे, क्या नंबरों के कौन से नंबर आने वाले, कौन सी कैलकुलेशंस है, वो कैसे समझोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑनलाइन जो है वो बहुत रिस्की है, उसमें बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार जुआ छोड़ने का भाषण देते हैं और खुद खेलता है, तो भाई अगर मुझे खेलना आता है और मैं अगर उससे पैसा कमा सकता हूँ तो मैं क्यों ना खेलूँ। मैं कोई इलीगल गैम्बलिंग थोड़ी कर रहा हूँ, यहाँ पे भारत सरकार ने इसको लाइसेंस दिया हुआ है तो ही मैं आता हूँ ना। मैं लीगल गैम्बलिंग करता हूँ, कोई मैं इलीगल गैम्बलिंग थोड़ी कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग ये बात समझते नहीं है। और ऑनलाइन मैं भी नहीं खेलता हूँ, मैं बहुत रेयर ऑनलाइन खेलता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में चीटिंग होती नहीं होती, वो तो सेपरेट इशू है। मेन बात ये है कि जो मैक्सिमम मैंने निकाले हैं रूलेट, उनमें 15-18 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रूलेट पे भी खेलोगे जो टच स्क्रीन के थ्रू होता है, उसमें भी कम से कम आपको 45 सेकंड मिलते हैं। 45 सेकंड एक एनफ टाइम होता है। और टेबल पे तो वो आपसे पूछने के बाद ही बॉल स्पिन करते हैं। तो मैं बल्कि टेबल से ज़्यादा ना मशीन पर कंफर्टेबल रहता हूँ, क्योंकि उसमें आप सेपरेट, आपकी प्राइवेसी रहती है, आप फोकस कर सकते हो। और तो बस उसमें एक ही दिक्कत होती है कि कई बार ना कोई सब्सक्राइबर पीछे आके खड़ा हो जाएगा, मुझे तो मालूम नहीं कि वो मुझे जानता है, वो कहता है चलो देखें बड़ी बड़ी भाषण देता है तो कितना बड़ा 30 मार्का है। तो ऐसे कोई भी अगर आपके आके खड़े हो जाए, या मान लो कोई वैसे ही खड़ा, मुझे लगा यार सब्सक्राइबर है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। पर आज अच्छी बात ये कि आज कोई भी नहीं मिला, मैं गया एक घंटे के अंदर ही मैं खेला, फिर मैंने थोड़ा सा डिनर के नाम पे थोड़ा सा सैलेड वैलेड कुछ खाया, हल्का फुल्का खाया, और अब जा रहा हूँ मैं घर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको, जैसे मैंने बोला ना कि आप लोगों को खेलने की हवस है, अगर आपका टारगेट पूरा भी हो जाए ना तो भी आप खेलते रहते हो। मेरा क्या है कि अगर मेरा टारगेट पूरा हो गया तो मैं फिर रुकता नहीं हूँ, फिर मैं चले जाता हूँ। मैं बहुत सालों बाद बोट कसिनो में गया था, जो क्रूज़ कसिनो होते हैं, पर उसमें मैंने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप किस लिए जा रहे हो, आप खाने पीने जा रहे हो, आप ऐश मौज करने जा रहे हो, तो एक बात अलग है। अगर आप
पैसा कमाने के लिए गैम्बलिंग करने जा रहे हो तो आपको पहले सीखना पड़ेगा स्किल, ड्रिंक नहीं करनी पड़ेगी। और मैंने देखा कि लोग इतना लॉस उठा रहे हैं, उसका कारण क्या है कि बियर शराब पी पी करके जुआ खेल रहे हैं। आप सोचो कि मतलब जब आप एक तो वैसे ही बड़ा सेंसिटिव गेम है ये, आपको बहुत बारीकी से इस पर नज़र रखनी पड़ती है, और उसमें भी अगर आप मतलब एक सेकंड भी अगर आपका ध्यान किसी नंबर की तरफ नहीं गया तो वो छूट जाएगा और वही नंबर आ जाता है, हो सकता है वही नंबर आपका जैकपॉट बने। पर लोग शराब पी करके अपने आप को और बहका देते हैं, तो ये थोड़ा सा ना बहुत इसमें मामला सेंसिटिव है। बोट में मेरे को पर कुछ सब्सक्राइबर मिले थे जिन्होंने कहा कि हम आपकी बताई हुई ट्रिक या स्किल से हम लोगों ने पैसा बनाना शुरू किया है, मतलब हमें पैसा बचता है, हमें मालूम है कि स्मॉल स्मॉल विन स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, थोड़ा सा पैसा बढ़ते ही भाग जाना है, कितना पैसा लेके आना उतना ही पैसा हम लेके आते जितना हम जीरो कर सकते हैं। बाकी जो देखो नेगेटिव लोग हैं जो हार चुके हैं वो मुझे कई बार बुरा भला भी कहते हैं कि यार एक तरफ से कहता है जुआ छोड़ दो, दूसरी तरफ से खुद खेलता है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, आप मेरे से बराबरी नहीं कर सकते ना, आप दूसरों से क्यों बराबरी करते हो? मेरे को मालूम है ना मेरा मेरे ऊपर क्या नियंत्रण है, और मैं अगर इससे पैसा बना सकता हूँ तो मैं क्यों ना बनाऊँ। हमेशा आप अपने आप में देखो कि आप में क्या कमी है, अगर आप वो कमी ऐसी है कि जो आपको जुए में हरा सकती है तो आपको जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ जिद्दी शराबी इमोशनल लोगों के लिए नहीं है। आप खेलने आपको ड्रिंक करनी है, आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट मतलब कि आप जुआ क्यों खेल रहे हो। जुआ अलग चीज़ है, शराब पीना अलग चीज़ है। अगर आप जुआ खेल रहे हो और ये सोच के खेल रहे हो कि यार मेरे को कुछ आता है या मुझे भरोसा है अपने ऊपर मैं कुछ पैसा बना सकता हूँ, तो सिर्फ पैसा बनाओ, उसके बाद आप बैठ के शराब पियो। आप क्या करते हो, शराब और जुए को मिक्स कर देते हो। मैंने देखा लोगों को, लोग शराब भी पीते पीते जुआ खेल रहे हैं, और शराब पीते पीते जुआ खेल रहे हैं या जुआ खेलने के बाद वहीं बैठ के शराब पी रहे हैं। शराब पीने के लिए अलग से बार बने हुए हैं, आप बार में जाके शराब पियो। आप जुए के अड्डे पे बैठ के शराब पियोगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तो आपका पैसा जाएगा ही जाएगा। कई लोगों ने कमेंट किया कि अरे भाई साहब आप भी आजकल ज़्यादा जुआ खेल रहे हो, आपके खोपड़ी पर भी शैतान नाचेगा। तो मैंने कहा यार वो शैतान तो मैंने कब का ख़त्म कर दिया है। शैतान एक्चुअली कभी बना ही नहीं। मैं कभी ऐसी कोई बड़ी रकम हारा भी नहीं था शुरुआत में भी, और ना कभी मेरे को ऐसा था कि यार कोई होश ही नहीं जी बस जुए से ज़िंदगी बनानी है। जुआ मेरी कई सोर्स ऑफ इनकम में से एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, वो भी मुझे मज़ा आता है, नहीं तो मैं ऑनलाइन तो कभी नहीं खेलता। मैं गोवा में रहते हुए भी अभी मैं फ़िलहाल जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं 4 महीने से नहीं आया था कसिनो। मुझे यहाँ पे आके नई कंटेंट मिलते हैं, नए लोगों से मिलने को मिलता है, नए लोगों के नए नए किस्से मिलते हैं। अभी उस दिन क्रूज़ कसिनो में भी एक भाई साहब मिले, उन्होंने बोला कि अरे यार आपने क्यों एंट्री खरीदी, हमारी तो मतलब एंट्री थी, आप हमें बताते हैं आप। और उनका फिर मैसेज आया कि अगर आगे से कभी भी आपको ये 2-4 क्रूज़ कसिनो में जाना हो तो आप मुझे एक मैसेज कर देना, आपकी कोई एंट्री वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं बोट कसिनो क्रूज़ कसिनो में मैं नहीं जाता हूँ, केवल उस दिन बच्चों की वजह से चले गए कि उन्होंने कभी क्रूज़ कसिनो नहीं देखा था। कसिनो का मतलब उनको क्रूज़ में जाना था, बच्चे तो अलाउ नहीं होते कसिनो में। अगर आप ऑनलाइन भी खेल रहे हो तो शराब और जुए को सेपरेट रखो। जुआ अलग चीज़ है, शराब अलग चीज़ है, इन दोनों को मिक्स मत करो। कॉकटेल और गैम्बलिंग बहुत अल्कोहल और गैम्बलिंग बहुत खतरनाक कॉकटेल होता है। दूसरा, गैम्बलिंग जो है वो जज्बाती लोगों की चीज़ नहीं है। मुझे कई मैसेज आते हैं हमने ऑनलाइन में इतने लाख हार गए, हम उतने लाख हार गए। मैं कहा हारे कैसे यार आप, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अभी एक ने मेरे को मैसेज किया कि उसका किसी दोस्त ने मेरा प्रोमो कोड यूज़ किया हुआ था और उसने बहुत बड़ी रकम जीत ली है, बहुत बड़ी रकम जीत ली है, मतलब अनएक्सपेक्टेड। तो मैंने कहा कि इसमें ना जीतने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। विड्रॉल लिमिट कम है, इतनी बड़ी रकम उसको निकालने में 5-6 दिन लगेंगे, वो 5-6 दिन तक इतनी बड़ी रकम नहीं निकाल पाएगा। और वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा विड्रॉल करेगा और साथ में खेलता भी रहेगा, और फिर वो बड़ी रकम गवा भी देगा। होना ये चाहिए कि अगर वो बड़ी रकम जीत गया, जब तक पूरा पैसा विड्रॉल ना हो और पूरा पैसा विड्रॉल होने के बाद ठिकाने ना लग जाए, खर्च ना हो जाए, तब तक आपको दोबारा नहीं करना चाहिए। मैं एक विनिंग अमाउंट को जब तक बराबर नहीं कर देता हूँ, जीरो नहीं कर देता हूँ, तब तक मैं दोबारा एंटर नहीं करता हूँ कसीनो में। अभी भी मैं अल्टरनेट डे जाता हूँ,
अभी मैं अकेला हूँ, फैमिली गई हुई है दिल्ली, तो मैं आ जाता हूँ रात के टाइम, आ जाता हूँ एक दो घंटे में, ऊपर चले जाता हूँ। इसके बाद फिर ट्रैवलिंग शुरू कर दूंगा, फिर मेरा कसिनो से कोई लेना देना नहीं। और बात मैं क्या बोल रहा हूँ, हर आदमी को वो काम करना चाहिए जो उसको आता है और लीगल हो। तो यहाँ पर कसिनो लीगल भी है और मुझे एक ही गेम आती है। मैं बाकी गेमों के बारे में तो कोई भाषण देता नहीं कि यार मुझे ये गेम भी आती है, मुझे वो गेम भी आती है। एक गेम पे फोकस किया और एक गेम में ही थोड़ी सी रकम गवाई। साल डेढ़ साल में समझा, सीखा, बहुत सारे हज़ारों लोगों से उनके एक्सपीरियंस से सीखा, उनसे उनका दिमाग खा जाता था मैं सवाल पूछ पूछ के। और फिर फाइनली अब एक स्किल डेवलप हुई है तो इन्जॉयमेंट के साथ में वो कर रहा हूँ। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।